हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हम रिवाइज करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है बेसिकली वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि एक वो प्रोसेस जिसमें जीव जंतु अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल, इसके हैं प्लांट और सम बैक्टीरियाज, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वाइल हेटरोट्रॉफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, वो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन अपना खाना खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, ठीक है? तो इसीलिए वो हेटरोट्रॉफिक है। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि प्लांट को चार चीज़ें चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, तीसरा सूरज की किरणें और चौथा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो पत्तों की प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, ओके? और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक का ही है पार्ट, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि मरे हुए एनिमल्स से अपना पेट भर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक जंगल में एक एनिमल मर जाता है, क्रो है, तो क्रो क्या करता है, उस मरे हुए एनिमल का ना मांस खा लेता है। तो इस चीज़ में जो क्रो है वो सेप्रोफिटिक है, बिकॉज वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भर रहा है। आगे है होलोजोइक। होलोजोइक एक सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक सॉलिड फूड को, चाहे वो रोटी हो गई या कोई भी चीज़, उसको माउथ में रख के बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड को खाना, उसी को बोला जाता है होलोजोइक। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे चढ़ के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जुएं। एक लड़की के सर में जुएं चढ़ जाती है, लीस हो जाती हैं, तो लीस क्या करती है, उसी की बॉडी पे चढ़ के उसके ब्लड को सक करती रहती है, पीती रहती है। सो इस केस में हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं पैरासिटिक। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चढ़ के, ठीक है, या उसके अंदर घुस के क्या करता है, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन, खाना प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं पैरासिटिक। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये अमीबा है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, नेकेड आइज से वो दिखता भी नहीं है, वो इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं देख पाएंगे, हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी, एक डॉट से भी छोटा होता है वो। आगे ये बेसिकली पानी में पाया जाता है और इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर इन द सेंस ये अपनी शेप बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है, बेसिकली इसके नकली पैर हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको चलने में, मूव करने में हेल्प करता है और इसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे एक सेल के अंदर होता है, सेम वही है। साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जो इस पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, और होता है फूड वैक्यूल्स। तो हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस जान लेते हैं कि किस तरीके से खाना खाता है।
ये जो अमीबा है इसने अपनी शेप को चेंज करा, ये फूड है, फूड के इर्द गिर्द इसने अपने इस तरीके से सूडोपोडिया को एडजस्ट कर लिया। कुछ देर बाद वो इस फूड को अंदर ले लेगा। फूड अंदर जब जाएगा तो वो फूड वैक्यूल्स के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर, जो खाली जगह होती है उसके अंदर ही फूड जाएगा। फूड जो है फिर वो डाइजेशन होगा, अमीबा इसको डाइजेस्ट करेगा और इस पूरी बॉडी को एनर्जी देगा। इस तरीके से ये एनर्जी दी जा रही है। फिर जब ये एनर्जी प्राप्त कर लेगा तो ये जो भी बचा हुआ होगा, अगेन सूडोपोडिया अपना, अमीबा अपने सूडोपोडियास को एडजस्ट करेगा और सारा वेस्ट बाहर निकाल देगा। और इस तरीके से ये अपना प्रोसेस करता है। ओके, तो इस तरीके से इसने अपना वेस्ट जो भी है, जितना खाना था उसने खाया, एनर्जी ली और जो वेस्ट है इस तरीके से इसने बाहर निकाल दिया। तो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि खाना जहाँ पर होता है वो अपने सूडोपोडिया को एडजस्ट करता है, खाने को अंदर लेता है, और अंदर भी खाना कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल्स में। फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करा जाता है अमीबा के थ्रू, एनर्जी ली जाती है और जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था अमीबा का प्रोसेस। तो हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अमीबा टेक इन फूड बाय सूडोपोडिया। तो इस तरीके से सूडोपोडिया के थ्रू उसने खाने को अंदर ले लिया। When a food particles come near amoeba, then amoeba produce around the food and surround it. तो अमीबा के इर्द गिर्द जब भी खाना आता है तो वो इस तरीके से अपने सूडोपोडियास को एडजस्ट कर लेते हैं। Then two pseudopodia then join around the food and trap the food with a little forming a food vacuole inside the amoeba. फिर अब फूड अंदर आ चुका है और कहाँ पर आएगा? फूड वैक्यूल के अंदर। देन खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स होते हैं जूसेस जो हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली एक खाने पचने में बहुत टाइम लगता है और वो एंजाइम्स जो होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उसके प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेस्ट हुआ खाना, फिर एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एंजाइम्स यानी कि जूसेस ने खाने को छोटे सब्सटेंस में तोड़ दिया और उसने एनर्जी प्राप्त करी अमीबा ने, और फिर जितना भी वेस्ट था उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक कह रहा है व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन एंड इट्स स्टेप। एनिमल न्यूट्रिशन क्या है और उसके स्टेप बताइए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एनिमल्स। जब एनिमल अपना खाना ले रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल का खाना खाना उसी को बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल में उसके 5 स्टेप हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अंदर लेते हैं। बॉडी के अंदर जब खाने को लिया जाता है उसी को बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन का मतलब आप सब जने जानते हैं, खाने को पचाना। The process in which the food containing large insoluble substance is broken down. Basically जो ठोस खाना है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट के डाइजेस्ट होगा, पचेगा अब हमारा। थर्ड है absorption. The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream. अब जो पचा हुआ खाना है वो इंटेस्टाइन बेसिकली हमारी नीचे होती है बॉडी में, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये जो है ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर जो खाना है वो अब नसों में, ब्लड नसों में भेजा जाएगा, बेसिकली ब्लड में मिक्स करा जाएगा। अब द प्रोसेस इज विच द एब्जॉर्प्शन फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। अब हर एक जो नसें हैं वो पूरी बॉडी में होती हैं, तो जो खाना है वो अब कहाँ मिल चुका है, नसों में मिल चुका है। अब वो हर एक सेल के पास जा रहा है खाना, तो जो सेल है उससे क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, ठीक है, और ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। अब जो भी खाना यूज़ करना था वो कर लिया, एनर्जी ले ली, अब जितना भी खाना बचा है वो वेस्ट है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। तो शुरू से एक बार हम समझ लेते हैं, इंजेशन खाने को अंदर लेना, डाइजेशन जो सॉलिड है बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, फिर है एब्जॉर्प्शन जो फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल यानी कि इंटेस्टाइन तक जाके ब्लड में मिक्स होगा और हर एक कोने तक पहुँचेगा, फिर हर एक सेल उससे एनर्जी लेगा, उसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, और एनर्जी लेने के बाद जितना भी वेस्ट है वो सारा बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और उस वो प्रोसेस क्या होगा, इजेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, खाना कैसे लेते हैं, पचता है और फिर कैसे बाहर निकलता है, तो हम ये सब देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली अंदर का प्रोसेस, सारे ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज। तो हम देखेंगे कि खाना किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड उसे सेल तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, अगेन ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी हम उससे लेते हैं, वो एनर्जी फिर हमारे को वर्क करने में काम आती है। वर्क करना इन द सेंस दिल का धड़कना, किडनी का फिल्टर करना। तो इसलिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी की वजह से जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो हम कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफ्स। तो चीज़ें समझने से पहले इंजाइम्स समझना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करे थे। इंजाइम्स बेसिकली जूसेस होते हैं, जूसेस लाइक सब्सटेंस कहाँ से निकलते हैं, ऑर्गन्स निकालते हैं इसे। हर एक ऑर्गन जो है इंजाइम्स यानी कि जूसेस निकालता है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को, खाने को पचने में हेल्प करता है। अगर ये इंजाइम्स नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है खाने को पहुँचाने में, ठीक है। तो ये इंजाइम्स हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, विच हेल्प द फूड इन डाइजेशन। तो हम शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि टीथ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। टीथ आपको पता ही है, चार तरीके के टीथ होते हैं, एक होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जो इंसीजर्स हैं वो बाइटिंग एंड कटिंग टीथ होते हैं, किसी को काटने, कोई चीज़ काटने के लिए हेल्प करते हैं। कैनाइन जो होते हैं काफ़ी तीखे होते हैं, पुराने ज़माने में जो आदिवासी होते थे वो ऐसी जानवरों को पका के नहीं खाते थे, वो कच्चा ही खा लेते थे, तो उस समय कैनाइन टीथ का ज़्यादा यूज़ होता था। तो टीयरिंग में काम आते, किसी चीज़ को फाड़ने में काम आते हैं। नेक्स्ट इज़ प्री मोलर जो हैं वो किसी चीज़ को च्यू करने में, चबाने में काम आते हैं, ठीक है। और मोलर जो हैं वो भी अगेन च्यू और ग्राइंड करने में, चीज़ों को मिक्स करने में, फूड को मिक्स करने में। अब हम पढ़ेंगे टूथ डिके के बारे में, दांतों का सड़ना ये कैसे होता है।
सो बेसिकली क्या होता है कि हम ज़्यादातर मीठा खाते हैं. मीठा खाने से क्या होता है कि जो हमारे टीथ हैं उसके ऊपर जो मीठा है वो चिपक जाता है. जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो उस मीठे को खा के अपना पेट भरते हैं, और जब वो मीठा खा रहे होते हैं ना तो वो भी ना जूसेस सिक्रीट करते हैं, और वो जो जूसेस हैं वो हमारे टीथ को धीरे 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 करके सड़ाना शुरू कर देते हैं, और एक परत सी बन जाती है, एनेमल जिसको कहते हैं. आपने देखा होगा कि येलो कलर की कवरिंग होने लग जाती है टीथ पे. जब वो येलो कलर की कवरिंग होने लग जाती है यानी कि हमारा जो टीथ है वो धीरे धीरे करके अब स्पॉइल होना, ख़राब होना शुरू हो गया है. तो इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में. तो एक मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनेमल. तो इस तरीके से जो है हमारा टूथ डिके होता है. आगे हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारी टंग के बारे में बता रखा है कि जो पीछे वाला पार्ट है वो बिटर होता है, ये दोनों पार्ट सॉर खट्टा चीज़ टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ये सॉल्टी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करती है, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो स्वीट चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करता है. अब हम एक फैक्ट पढ़ेंगे कि पहली तो ये बात कि ये जो टंग है वो हमारी किस काम आती है. सो बेसिकली टंग जो है वो खाने को रोल करने में काम आती है. तो इसमें है कि जो हमारे माउथ में जब हम खाना लेते हैं ऑलरेडी 6.8 पीएच होता है. पीएच जो है बेसिकली वो बताता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है. तो पीएच जो है हमारा होता है 6.8 यानी कि एसिडिक मीडियम होता है हमारे माउथ में. तो जब हम खाना खाते हैं तो वो एसिड उसके साथ मिक्स हो जाता है, और सपोज़ करो कि खाना खुला हुआ था उस पर बैक्टीरियाज बैठे हुए थे तो वो बैक्टीरियाज आधे से ज़्यादा तो माउथ में ही मर जाते हैं और नीचे हमारी बॉडी में नहीं आते हैं. तो इस तरीके से ये हेल्प करता है एसिडिक मीडियम. नाउ नेक्स्ट इज माउथ. माउथ के अंदर टीथ होते हैं. टीथ खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का हेल्प करते हैं, और जो सलाइवा है, सलाइवा होता है लार, पानी जैसा आपके माउथ में हमेशा प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं, वो खाने के साथ मिक्स हो के खाने को सॉफ्ट बना देता है, और फिर जिससे खाने को चबाने में आसानी होती है. ये निकलता कहाँ से है, ये निकलता है सलाइवरी ग्लैंड की वजह से. तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमलेज, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो कि क्या काम करता है, जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है. ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है. अभी ये पूछ रहा है कि फैक्ट है, फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन, कहाँ से डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन के अंदर. तो हम लिखेंगे माउथ. डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो गया है. कैसे, बिकॉज जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो हमारे टीथ के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है, और वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ, और उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ सलाइवरी एमलेज, और उससे खाना सॉफ्ट होके ईजिली हमारा जो फूड पाइप है उसके अंदर आ जाता है. और कुछ चीज़ें समझेंगे हम, ये बहुत ज़रूरी है. एक है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो एपिग्लॉटिस जो है बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिख रहा होगा, एक तरीके का आप बोल सकते हैं ये गेट है जो कि खाने को विंड पाइप में आने से रोकता है, ठीक है, विंड पाइप में खाना ना आ जाए, ठीक है, जिससे हमें फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हम बोल सकते हैं एक तरीके का दरवाज़ा है जो खाने को कहाँ पर नहीं आने देना है, विंड पाइप, वो कह रहा है कि आप फूड पाइप से ही जाओ.
ठीक है, उसमें हेल्प करता है. तो इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड द लंग्स. तो खाने को विंड पाइप और लंग्स में आने से रोकता है, उसी को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. फिर है हमारा व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस. तो ये एक तरीके का मूवमेंट होता है, अब खाना जो है वो फूड पाइप में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रही है. देख रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, खाना नीचे आ रहा है, जहाँ पर आता है वहाँ से मोटा हो जाता है, और फिर जब नीचे आता है तो वो चीज़ उसकी पतली हो जाती है. तो इस तरीके से जो है ये काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर एक्सपेंशन होती है, इस तरीके से खाना जो है वो नीचे आ रहा है. तो इसी तरीके की मूवमेंट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि अभी हमारा नीचे काम आएगा. तो अब हम देखेंगे कि ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में हम आ चुके हैं. तो फूड पाइप जो है वो हमारा शुरू होता है यहाँ से, और हम खाना खाते हैं और ये शुरू हो चुका है, ठीक है. तो ईसोफेगस इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह होता है, जो कि स्टमक को, सॉरी माउथ को किससे, किसके टच में लाता है, स्टमक के टच में लाता है. बेसिकली दोनों चीज़ों को लिंक करता है, ठीक है. अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि खाने को ऊपर से माउथ से कहाँ पर लाना, स्टमक में लाना. तो द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव डाउन थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक. अभी हमने मूवमेंट देखा था, इस तरीके से खाना जो है वो धीरे 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 करके नीचे आता है, और इसी मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.